हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस मंत्रा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारा चैनल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है, जो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए है। तो हम अभी चैनल पर रेलवे ALP टेक्नीसियन CBT 2 के लिए जो क्वालिफाई कर गए हैं, उनके ट्रेड से संबंधित तैयारियां करवा रहे हैं। तो हम लोग डीजल मैकेनिक के लिए लेकर आएंगे। अभी डीजल मैकेनिक का चालू हो गया, फिटर का कुछ दिन के बाद आना चालू होगा फ्रेंड्स। तो डीज़ल मैकेनिक के जो भी छात्र हैं उन्हें शेयर कर दीजिए, ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सकें। हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस होंगे फ्रेंड, डीजल मैकेनिक का कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन, हाइड्रोलिक क्लच में क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट पिस्टन, सेकंड ऑप्शन कंट्रोल वॉल्व, थर्ड एक्यूमुलेटर और फोर्थ उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, हाइड्रोलिक क्लच आप जानते ही हैं, फ्लूड पर कार्य करता है, द्रव के द्वारा कार्य करता है। तो इसमें सभी होगा, उपरोक्त सभी, हाइड्रोलिक क्लच में सभी होगा। आपको ये बता दें कि हाइड्रोलिक क्लच का प्रयोग महंगी गाड़ियों में ही किया जाता है जी, और ये फ्लूड पे ऊपर कार्य करता है पास्कल के नियम पे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, टॉर्क कन्वर्टर का कार्य क्या होता है? ये जितने भी क्वेश्चंस आज हम लाए हैं वो क्लच चैप्टर से संबंधित हैं, क्लच से। तो क्वेश्चन है, टॉर्क कन्वर्टर का कार्य क्या है? ऑप्शन फर्स्ट इंजन की शक्ति को बढ़ाना, ऑप्शन सेकंड इंजन की शक्ति को कम करना, ऑप्शन थर्ड इंजन की शक्ति को स्थिर रखना, ऑप्शन फोर्थ उपरोक्त सभी गलत है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके बीच में टेस्ट लगा सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब होगा, इंजन की शक्ति को बढ़ाना। टॉर्क कन्वर्टर का प्रयोग क्लच में किया जाता है, ताकि शक्ति को बढ़ाया जा सके इंजन के। थर्ड क्वेश्चन है, किस क्लास में नॉन रिटर्न वाल्व का प्रयोग होता है? फ्रेंड्स, यहाँ गलती हो गया है, किस क्लच में होगा नॉन रिटर्न वाल्व का प्रयोग किया जाता है? तो नॉन रिटर्न वाल्व का प्रयोग क्यों करते हैं, पहले ये जानिए। नॉन रिटर्न वाल्व का प्रयोग इसलिए करते हैं कि एक बार जो हवा इनटेक से आ गई वो फिर न जा पाए, इसलिए नॉन रिटर्न वाल्व का प्रयोग किया जाता है। तो ये किस क्लच में किया जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा थर्ड, वैक्यूम क्लच, यानी निर्वात क्लच। ऑप्शन फोर में फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फोर, क्या ख़राब होने से क्लच स्लिप करता है? ऑप्शन फर्स्ट, जब इंजन से आवाज़ आएगी। ऑप्शन सेकंड, यहाँ तेल होगा, तेल का दबाव कम होगा। ऑप्शन थर्ड, प्लेटों के बीच घर्षण कम होगा। ऑप्शन फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये सिंपल सी बात है और सभी लोगों को पता ही होगा कि क्लच जो कार्य करता है वो घर्षण के ही कार्य करता है, घर्षण के कारण। तो क्या ख़राब होने से क्लच स्लिप करता है? तो इसका सिंपली से ऑप्शन फोर होगा, प्लेटों के बीच घर्षण जब कम हो जाएगा तो क्लच स्लिप कर देगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, प्रेशर प्लेट लगा होता है, कहाँ लगा होता है? ऑप्शन फर्स्ट क्लच प्लेट में, सेकंड फ्लाई व्हील में, ऑप्शन थर्ड टर्बाइन में, या ऑप्शन फोर्थ उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैप्टर की रीडिंग की होगी तो आपको मालूम होगा कि प्रेशर प्लेट का प्रयोग क्लच प्लेट में करते हैं। पहले प्रेशर प्लेट रहता है, फिर क्लच प्लेट, उसके बाद फ्लाई व्हील रहता है। प्रेशर प्लेट, जब हम पैडल दबाते हैं तो प्रेशर प्लेट बाहर की तरफ दबाव देता है, जिससे कि इंजन का कनेक्शन गियर बॉक्स से कट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, कोण क्लच का मान कितना से कम होने पर जाम होने की संभावना रहती है? ऑप्शन फर्स्ट 20 से अधिक, ऑप्शन सेकंड 20 से कम, ऑप्शन थर्ड 20 डिग्री, या ऑप्शन फोर 30 डिग्री। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड, 20 से कम डिग्री जब होगा कोण क्लच का मान। कोण क्लच क्या है? ये क्लच के प्रकारों में से एक है। तो इसका मान जब 20 डिग्री से कम होगा तो ये जाम हो जाएगा और ये आगे नहीं बढ़ पाएगा गाड़ी। तो क्वेश्चन नंबर सेवन है, ऑपरेटिंग मेंबर में क्या शामिल होता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है फुट पेडल, सेकंड है लिंकेज, थर्ड रिलीज बियरिंग, फोर यह सभी। ऑपरेटिंग मेंबर में क्या शामिल होता है? क्वेश्चन नंबर सेवन, ऑपरेटिंग मेंबर में क्या शामिल होता है? फर्स्ट ऑप्शन फुट पैडल, सेकंड लिंकेज, थर्ड रिलीज बियरिंग, फोर्थ या सभी। तो ऑपरेटिंग मेंबर में फ्रेंड्स, पता होगा जब गाड़ी का हम क्लच दबाते हैं तो फुट पैडल ही रहता है, नीचे लिंकेज और रिलीज बियरिंग भी उसमें लगा रहता है, बिना बियरिंग के ये सब नहीं होता। तो फ्रेंड्स, इसमें सभी हो जाएगा, आंसर सभी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आने वाले ऐसे ही वीडियोज़ के लिए, ताकि आपके ट्रेड की तैयारी अच्छे से हो सके रेलवे ALP CBT 2 के लिए और आप सक्सेस हो सकें। क्वेश्चन नंबर एट है, यहाँ क्लच प्लेट किस धातु के द्वारा बनाई जाती है? ऑप्शन फर्स्ट है स्टील की पत्तियों द्वारा, ऑप्शन सेकंड टीन की चादर द्वारा, ऑप्शन थर्ड कास्ट आयरन द्वारा, ऑप्शन फोर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसमें से एक या दो क्वेश्चन रहेंगे, पक्का पूछ लेगा कि ये
क्लच प्लेट या गियर बॉक्स या फिर पिस्टन किस धातु के बनाए होते हैं? तो इसमें आंसर होगा स्टील की पत्तियों द्वारा, आंसर इसका होगा क्वेश्चन नंबर 9। किस चीज़ का प्रयोग क्लच प्लेट को चेक करने में करते हैं? तो यहाँ आपको बता दूँ कि फिलर गेज का प्रयोग होता है गैप को चेक करने के लिए, दो इक्विपमेंट्स के बीच में गैप को चेक करने के लिए फिलर गेज का प्रयोग। डेप्थ गेज का प्रयोग आप जानते ही हैं, डेप्थ का पता लगाने के लिए किया जाता है। डायल गेज का प्रयोग किया जाता है क्लच प्लेट को चेक करने में। डायल प्लेस का कार्य क्या है? यह समतलता को जांचता है, और टेपर क्या है इसको भी ये पता करता है। कैलिपर तो बिल्कुल भी नहीं होगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्लच साफ्ट होगा यहाँ पे। साफ्ट किस बेयरिंग का प्रयोग होता है? क्लच साफ्ट में किस बेयरिंग का प्रयोग होता है? आंसर यह होगा पायलट बेयरिंग का। पायलट बेयरिंग का प्रयोग होता है क्लच साफ्ट में। ये चैप्टर में अच्छे तरह से दिया हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 11, किस प्रकार की गाड़ियों के लिए हाइड्रोलिक क्लच का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट महंगी गाड़ियाँ, ऑप्शन सेकंड सस्ती गाड़ियाँ, ऑप्शन थर्ड विदेशी, या ऑप्शन फोर्थ कोई नहीं। फ्रेंड्स, पहले भी हम बता चुके हैं, क्वेश्चन आया था इसी से रिलेटेड, हाइड्रोलिक क्लच से रिलेटेड। तो इसमें हमने बताया था कि महंगी गाड़ियों में ही सिर्फ इसका प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोलिक क्लच का प्रयोग। तो यहाँ पर होगा महंगी गाड़ियाँ आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत चुंबकीय क्लच के फ्लाई व्हील पर क्या बना होता है? तो विद्युत चुंबकीय जो भी कार्य होता है तो उसमें आपको मालूम होगा फ्रेंड्स कि तांबे की तार की बाइंडिंग रहती है, जिसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वहाँ पे उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे सिंपल आंसर होगा तांबे की तार की बाइंडिंग रहती है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से क्लच का कार्य क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ बताइए क्लच का कार्य क्या है। तो यहाँ पे आप आंसर इसको दीजिए कमेंट बॉक्स में हमें। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को देख लीजिए आप अच्छे से। ये सिंपल क्वेश्चन है इसीलिए हमने पूछा कि आप इसको आंसर दीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित से क्या क्लच प्लेट से संबंधित है? फर्स्ट, इसमें प्रेशर प्लेट नहीं रहती है, गलत, ये प्रेशर प्लेट रहती है। सेकंड, इसे डिफरेंशियल के साथ जोड़ते हैं। तो ये जो बोल रहा है डिफरेंशियल के साथ जोड़ते हैं, तो ये भी गलत है। क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट तथा फ्लाई व्हील के बीच दबी होती है, सही बात है, यही थर्ड नंबर ऑप्शन आंसर होगा आपका। 15 नंबर क्वेश्चन है, क्लच गियर बॉक्स प्रोपेलर शाफ्ट तथा डिफरेंशियल निम्न में से किसके भाग हैं? ऑप्शन फर्स्ट चेसिस, सेकंड ट्रांसमिशन सिस्टम, थर्ड इंजन, फोर्थ बॉडी। तो फ्रेंड्स इसका आपका आंसर होगा ट्रांसमिशन सिस्टम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, DMRC और लखनऊ मेट्रो में भी इसको बार बार पूछा जा चुका है। तो क्लच गियर बॉक्स प्रोपेलर शाफ्ट तथा डिफरेंशियल निम्न में से किसके भाग हैं? ट्रांसमिशन सिस्टम के। तो फ्रेंड्स टॉप 15 क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं, और आने वाले हमारे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और डीजल मैकेनिक से जो भी फ्रेंड्स हैं रेलवे ALP CVT 2 की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ज़रूर शेयर करें, ताकि उनकी हेल्प हो सके, अपने ग्रुप में भी शेयर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।